जी तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी न्यूज़ देख रही थी थोड़ी देर पहले ही, तो फाइनली इस दफ़ा काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम बाद 30 रोज़े जो हैं वो कम्प्लीट किए जाएंगे और जो ईद है वो 14 तारीख होगी। आज अभी अगर इंशाल्लाह व्लॉग मेरा आज चला जाता है आज की डेट में, तो आज है जी 11 और आज रोज़ा था 28वां, तो कल है जी 12 और रोज़ा होगा 29वां, परसों है 13 और रोज़ा होगा 30वां, और 14 तारीख को इंशाल्लाह जो है वो ईद होगी। सबसे पहले तो आप सबको एडवांस में जो है ना वो बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की शॉपिंग जो है वो मैंने की है, इतनी ज़्यादा तो नहीं की, बड़ी जिसे कहते हैं कि रो रो कर इस दफ़ा मैंने ईद की शॉपिंग की है। और इस दफ़ा सच्ची बताऊँ तो पता नहीं क्यों ईद की शॉपिंग करने का बिल्कुल मन भी नहीं था, मूड ही नहीं था ईद की शॉपिंग करने का ना, तो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कल मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा कपड़े वपड़े और इन चीज़ों के साथ साथ घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हर सौ रुपये हमें ईद के दिनों में, जैसा कि कोई फैमिली में आ जाता है तो उनके लिए भी जाहिर सी बात है, जैसे बर्तन वर्तन, अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर ही नहीं आई हुई हूँ। तो ये मैं एक लेकर आई थी चॉपर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने अक्सर जो है ना ये मैं देखती हूँ दूसरे ब्लॉग्स में, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं भी ये ले लेती हूँ। हालाँकि मेरे पास एक चॉपर पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला चॉपर जो है ना ये ले लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि आप सबको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है यूज़ होगा और ये क्या इसका है। इसकी जो प्राइस थी वो मेरे ख्याल में 1300 रुपये में हमें ये मिला है, और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसको जैसे कहते हैं ना कि मज़ा आ रहा था यूज़ करने में भी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चॉपर पड़ा हुआ है, तो वो जब मैं यूज़ कर लूँगी तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये वाला फिर लगाऊंगी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तभी मैं इसका ढक्कन लगा रही थी, तो वो अंदर से असल में वो जो कटर सा है इसका जो ब्लेड है वो सही से सेट नहीं थे और मैं ऊपर से ढक्कन दबाई जा रही थी। तो खैर जी, अब इसको लगा देती हूँ। लगाने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना इजीली आप इसको पुश करें, यकीन करें, इसमें आराम स्क्रू से आप हर एक चीज़ चॉप कर सकते हैं, यहाँ तक कि कीमा भी आप बना सकते हैं चिकन का, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, सैलड वगैरह, जैसे वो जो कचुम्बर सलाद, जो हम पंजाबी में कचुम्बर सलाद बड़े शौक से खाते हैं अक्सर, तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मैं ये चॉपर लेकर आई थी, और मैसेजेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आप सबको भी आवाज़ें आ रही होंगी, जैसे ही रोज़ा जो है वो अफ्तार कर लो उसके बाद तो फिर सबको अपने अपने काम होते हैं। मैं जो हूँ वो जाहिर सी बात है मुझे मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे जल्दी से व्लॉग जो है वो एडिट करके वॉइस ओवर करनी होती है, और सब जो व्लॉगर्स नहीं हैं जाहिर सी बात है वो मैसेजेस कर रहे होते हैं बैठे कि क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ तक तैयारियाँ हैं, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, इस तरह के मैसेजेस जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं एक ये लेकर आई थी जार, जो कि बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगे थे, इनका कोई लेने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन मैंने ये ले लिए थे बड़े आराम से। इसमें आप जो है ना बड़े आराम से, बड़े मज़े से, या बड़े आराम से, या बड़े अच्छे तरीके से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जिसमें जैसा कि कोई भी स्नैक्स वगैरह होगी, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो हैं आप इसमें रख सकते हैं, दालें शालें रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये दो मैं पानी की बोतल्स लेकर आई थी, एक यहाँ पे पड़ी हुई और एक हसन जो है ना वो पहले ही उठा के ले गया था कि मामा मैं ये वॉश करके अपने लिए रखने लगा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो बड़ा इसे इजीली कैरी कर सकते हैं आप पानी वगैरह। एक छोटा सा जो है ना वो रिंग सी बनी हुई एक साइड पे, और आप बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं या घर में हसन को आदत है वो ग्लास में पानी बहुत कम पीते हैं, वो ज़्यादातर बॉटल्स वगैरह ही यूज़ करता है, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, आज मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए आपको दिख रहे होंगे, आज रोज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा था और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो बनाने पर लगी हुई, और ये 2 स्पून लेकर आई थी, और कपड़े भी जो है ना वो टेलर से आ गए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी ये पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आऊँगी आराम से, फिर मैं वो दिखाऊँगी। तो यही मैं चीज़ें थी कुछ लेकर आई थी मेरे ख्याल में, और अभी मैं मेकअप शायद दिखाने लगी हूँ आपको। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो पास खेल कूद रहे होते हैं, कोई मोबाइल पे टीवी पे लगा हुआ होता है, पंखा चल रहा होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो फिर इसलिए जो है ना वो वॉइस ओवर करना ही मुझे मुनासिब लगता है, तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं एक शर्ट लेकर आई हूँ अयान की, और पहले मैं दूसरी वाली लेकर आई थी, लेकिन फिर वो साइज़ का मसला हो गया था, फिर वापस जो है ना वो मियाँ जी को भेजा, उनको बोला दूसरी वाली लेकर आए, फिर वो शर्ट लेकर आए। तो ये मैं शॉर्ट जो कि शायद आपने कल मेरा जो शॉपिंग का ब्लॉग देखा उसमें मैंने दिखाया था, ये मैं एक शॉर्ट लेकर आई हूँ। तो ये पूरा सूट जो कि मेरे ख्याल में नीचे रख कर दिखाती हूँ आपको, इस तरह हाथ में पकड़ के बिल्कुल ठीक से नहीं था दिख रहा। तो ये देखें, ये शॉर्ट लेकर आई हूँ, इसके साथ ये वाली जो शर्ट है मैचिंग की ये लेकर आई हूँ, तो रेड ही इसके शूज़ लेकर आई हूँ यान के।
तो बहुत ही अच्छी सी मैचिंग हो जाएगी। और इंशाल्लाह देखते हैं अब ईद की शॉपिंग। इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्यों मज़ा ही नहीं आया और ना ही शेयर करने का दिल भी कर रहा था। और ये एक हुसैन की शर्ट लेकर आई हूँ और इसके साथ ये वाली जो पैंट है ये लेकर आई हूँ। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं बच्चों की जो दूसरी वाली चीज़ें हैं वो फटाफट दिखा देती हूँ। एक ये वाली हुसैन की पैंट लेकर आई थी और इसके अलावा एक ये वाली लेकर आई थी। अच्छा ये वाली मैं ना शहर से लेकर आई थी, ये न्यू पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ये देखें ये भी न्यू है बिल्कुल, तो ये भी मैं शहर से लेकर आई थी। कुछ जैसे मैंने ना दो तीन सूट बच्चों के ना वो रखे हुए होते हैं अलग करके, इमरजेंसी कहीं भी निकलना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं हमेशा जो दो सूट है ना वो बिल्कुल इनके तैयार रखती हूँ। तो यहाँ पे ये अयान की दोनों पैंट है, ये ब्लैक और ब्लू वाली, और ये जो बड़ों की ये भी मैं शहर से ही लेकर आई थी, और ये वाली भी पैंट अभी तक इसी तरह पड़ी हुई थी दोनों की ना, तो ये मैंने निकाली। अब इनके साथ शर्ट्स नहीं थी तो शर्ट्स जो है ना वो अब देखती हूँ, अदरवाइज टेलर को कपड़े दिए हुए ना शलवार कमीज़ें बच्चों की, तो वही मैं सोच रही थी कि चल जाएंगे साथ में। और ये मैं इनकी दोनों भाइयों की एक एक ये वाली जीन्स की पैंट पड़ी हुई है, मतलब दो दो पैंट्स जो है ना दोनों बड़ों की भी पड़ी हुई हैं और छोटों की भी हो गई हैं। बस अब शर्ट्स की प्रॉब्लम थी और बाकी जो तैयारी है ऑलमोस्ट जो है ही है। और फिर अभी मैं कुछ टाइम पहले ही शादी में भी गई थी, वहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉपिंग करके गई थी, लेकिन उनमें से सारी चीज़ें जो है ना वो जो बच्चों के कपड़े वगैरह लेकर आई थी घर में यूज़ होने वाले वो तो सारे जो है उन्होंने पहन लिए। एक दो जो सूट थे इनके संभाल के रखे हुए थे तो सोचा चलो यही चल जाएंगे। वही बात है कि पता नहीं क्यों, एक तो मुझे मज़ा ही नहीं आया शॉपिंग करने का, दूसरा इस दफ़ा मेरा दिल भी नहीं था ईद की शॉपिंग करने का बिल्कुल ही। मैंने सोचा था कि चलो देख लेंगे बस जो होगा वही मतलब कि पहना दूंगी, तो लेकिन पता नहीं था कि वाकई में सच में ही लॉकडाउन हो जाना इतना मतलब कि वो के शॉप्स ही नहीं खुली हुई होनी। तो है ये बच्चों के जो सारे कपड़े हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं अपने वाले दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर अब मेरे कपड़ों का नंबर आ गया, तो मेरे कपड़े भी टेलर से जो है ना वो सिलकर आज ही आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शर्ट दिखा रही हूँ मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ, तो इसके ये बाजू सबसे पहले देखिए आप, पर इसके बाजू बड़े प्यारे लग रहे थे लेकिन मुझे लग रहा था आगे से थोड़ी सी अगर फिटिंग होती ना फिर और भी ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन था ना वो खूबसूरत लगना था, लेकिन चलिए गोल इसका सिंपल गला और लॉन्ग शर्ट रखवाई है मैंने, तो गोल गले ही ज़्यादातर आपको पता है कि मुझे पसंद है तो वही मैं ज़्यादातर जो है ना बनवाती हूँ। बस सिंपल सी मैंने शर्ट बनवाई थी इसका और कोई खास डिज़ाइन नहीं था, और इसके साथ जो प्लाजो है वो पड़ा हुआ था दूर, तो मैंने कहा कि मैं अब कैसे पकड़ूँ, तो चलो पहले कैमरा बंद करती हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना वो मैं पकड़ती हूँ। तो ये देखें जी जादू से मैंने ये कर लिया प्लाजो इस साइड पर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लॉन्ग शर्ट्स रखवाई है, मैंने आपको बताया था जब मैं ये लेकर आई थी कि मुझे लॉन्ग शर्ट्स ही रखवानी है और उसके साथ खुला लूज सा प्लाजो बनवाना है ना तो वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जी ये वाला सूट जो है ये तो आपने देख लिया, प्लाजो और सिंपल सी शर्ट थी। अब मैं दूसरा सूट आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें जी दूसरा ये वाला सूट जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक वाला, और इसका भी सिंपल इसके ना थोड़े से गले पे वो भाई ने डिज़ाइन सा बनाया हुआ है जैसे वो कट वर्क का डिज़ाइन होता है, ये देखिए मैं हाथ रख के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से गोल गोल से ना, तो वो भाई ने बना दिया था। बाकी जो है मुझे वैसे सिंपल ही गोल गले अच्छे लगते हैं, और ये बाजू पे भी भाई ने वही डिज़ाइन रखा हुआ है और ये भी वही सिंपल, और जो शर्ट है बाजू थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको दिखाऊं ज़रा पहन कर, ये देखें जी ये इस तरह से। तो बाजू भी मैंने ना इस दफ़ा थोड़े लॉन्ग ही रखवाए हैं, लंबे वाले बाजू हैं, और शर्ट भी ना इसी तरह से थोड़ी लॉन्ग रखवाई है बड़ी वाली। और इसका जो प्लाजो है वो भी ब्लैक कलर में, तो ये देखें जी ये सिंपल ब्लैक कलर की शर्ट है लॉन्ग सी और साथ में लूज़ प्लाजो। अच्छा मुझे प्लाजो बनवाने थे वो जो स्ट्रेट वाले होते हैं ना बिल्कुल सीधे प्लाजो वाले, लेकिन भाई ने थोड़े से ये दूसरे वाले बना दिए तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अब बना दिए भाई ने तो अब जाहिर सी बात है। तो मैं भाई को बल्कि मैसेज कर रही थी कि भाई आपने ये कौन से वाले प्लाजो बना दिए, मुझे स्ट्रेट वाले प्लाजो चाहिए थे, तो कह रहे थे आगे से टेलर भाई कह रहे अल्लाह का शुक्र अदा करें मैंने कपड़े सिलाई कर दिए, वरना तो इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पर, डर ही लग रहा है कि भाई अब क्या होगा कपड़े सिलाई नहीं होने हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो अल्लाह पाक खैर करेंगे। अच्छा जी एक ये वाली शर्ट जो है ना ये वाली भी सिंपल गोल गला और लॉन्ग शर्ट है, ये बाजू का डिज़ाइन यहाँ पे देखें। अच्छा जी ये सिंपल गोल जो है ना गला रखा हुआ है इस शर्ट का, और इसके अलावा इसका बाजू भी मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, फिर शायद बच्चे आ गए थे तो इसलिए मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा था यहाँ से। तो ये इसका जो है ना वो हार्ट में हार्ट जो शेप होती है ना उसमें इन्होंने गला बनाया हुआ है, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर ना कोई वो जो
पर्ल्स वगैरह होते हैं ना, या तो वो लाकर इसके अंदर लगाती हूँ, या फिर जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना वही भाई को बोलती हूँ कि उसकी छोटी छोटी सी वो पट्टियाँ सी बना के ना कुछ इस तरह क्रॉस टाइप में इधर उधर लगा दें, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल साइज़ का भाई को बोला था कि वो बनाइएगा, उन्होंने इतना बड़ा सा वो दिल बना दिया तो वो बुरा ही लग रहा है। तो खैर यहाँ पे इसका ये वाला प्लाजो है, ये भी मैंने लूज़ प्लाजो ही बनवाया था, और वही सिंपल सी लॉन्ग शर्ट और गोल गला, और इस तरह से हमेशा ही ऐसे ही कपड़े होते हैं मेरे। और लॉन्ग जो शर्ट्स है ना वो दोबारा से अभी न हो गई हुई हैं, और जो शॉर्ट शर्ट थी ना वो अब ख़त्म हो गई हैं। अच्छा जी, ये वाला जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार था कि ये मैंने अंग रखा जो गला है वो बनवाना है, और साथ में जो है ना मैंने बताया था आपको बेल बॉटम स्टाइल में बाजू बनवाए हैं, और क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, नाइस सा इसका डिसेंट सा कलर था, तो मैंने कहा कि इस पर वही अच्छा लगेगा, तो मैंने जो बटन है ना वो दूसरे वाले बोले थे। ये देखें बेल बॉटम स्टाइल में जो है वो बाजू बना दिए भाई ने, और बाकी जो इसका गला है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसमें। और ये नीचे पाइपिंग जो है ना ये तो मैंने चारों अपनी शर्ट्स पे करवाई है, इसके बिना ना ऐसे लगता है कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा सूट का ना, जब तक ये ना लगे पाइपिंग ना लगे। तो ये जी इसका गला जो है, यहाँ पे बटन मैंने दूसरे वाले बोले थे भाई को, वो जो कपड़े वाले होते हैं ना गोल गोल से वो वाले बटन, लेकिन भाई ने ये दूसरे वाले लगा दिए, और मैंने सोचा था साथ में रिबन वगैरह वो जो होता है ना वो लटकन सी होती हैं वो लग जाएंगी, लेकिन हेयर इस तरह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है। अब मसला ये आ रहा है कि ये कपड़े तो मेरे सारे स्टिच हो गए हैं, आ गए हैं, तो अब इनके साथ ना तो मैंने दुपट्टे लिए हुए अभी, ना मैंने इनके अलावा कोई और इसके साथ कोई चीज़ ही नहीं ली हुई, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी ना, अब कपड़े तो स्टिच हो गए हैं, वैसे ही ईद का अब कोई प्लान नहीं था, और एक ये मेकअप का कुछ सामान लेकर आई थी जिसमें ये मेकअप ब्रश वगैरह थे, और मैंने आपको बताया था कल कि मैंने मेकअप का सामान लिया है कुछ, और उसके अलावा ये मैंने कुछ और चीज़ भी ली थी वो शायद बाद में ली है, तो वो यही मेकअप ब्रश थे, और इसके अलावा मैंने एक बेस ली है। अच्छा, इस ब्रांड का नाम है जो कि मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी तो वो फ़ोकस हो नहीं रहा, आई थिंक फ्लोरमार जो है ये ब्रांड है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो बल्कि मैंने जब आकर इसकी गूगल पे प्राइस जब चेक की है तो मुझे गूगल पे इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस हाई नहीं लग रही है, मुझे ये बहुत महंगी उन्होंने दी है। मैं इसमें आई थिंक दो या तीन चीज़ें लेकर आई थी, एक बेस थी और एक फाउंडेशन है, और एक जो है वो है ये जो हाइलाइटर के लिए होता है ना वो उन्होंने दिया था हाइलाइटर, ठीक है, तो वो उन्होंने दिया था। तो ये तीन चीज़ें जो है मुझे 5,000 रुपये में मिली थी, तो ये देखिए ये वाला मैं एक लेकर आई थी, हल्का हल्का सा बस हाइलाइटर के लिए आप लगाते हैं तो बस बड़ा आपका शाइनी शाइनी सा फेस अच्छा लगता है। तो आजकल बड़ा जो मेकअप में ना ये चीज़ें इन हुई हुई हैं, हल्का सा जैसे कहते हैं कि ये टिंट हो गया, लिप टिंट तो मेरे पास पड़े हुए हैं पहले से ही, वो मैं वैसे ही नहीं यूज़ करती, मेकअप मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है यूज़ करने का, लेकिन हाँ ख़रीदने का है। तो यहाँ पे भी इसका भी मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखा रही थी क्लोज़ करके, लेकिन मेरा मोबाइल ही इतना हाईफाई नहीं है, मोबाइल भी नहीं हो लेने का सोच हूँ, इंशाल्लाह जल्दी लूँगी। बस आप लोगों की अगर नज़र में कोई अच्छा सा मोबाइल गुजरा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला मोबाइल जो है ना नोरीन ले लो, बहुत ही अच्छा मोबाइल है, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो ना वो वाला मोबाइल चाहिए मुझे। तो मुझे बड़ा जो है ना वो इंतज़ार है, बेसब्री से जो है ना इंतज़ार कर रही हूँ अपने न्यू मोबाइल का, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब ब्लॉग्स बनाने हैं तो जाहिर सी बात है आप सबको जो जो चीज़ें दिखानी है तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखनी चाहिए ना, अगर आप ब्लर सी दिखेंगी, अगर अच्छे से फोकस नहीं करेगा मोबाइल तो जाहिर सी बात है आप भी सब सोचेंगे कि भाई नोरीन मोबाइल तो अच्छा ले लो, थोड़ा सा अगर कोई चीज़ दिखा रही हो तो बहन हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या दिखा रही हो। तो है ना ये सारी चीज़ें थी। तो खैर अब मेकअप जो है आपने मेरा वो देख लिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ मैं, ये दो तीन चीज़ें लेकर आई थी, उसी में जो है ना वो 5,000 जब बिल बनाया ना तो मियाँ जी मेरा मुंह देखने लग गए कि ऐसा क्या ले लिया तुमने 5,000 की दो तीन चीज़ें ली हैं। तो बस वही मैंने उन्हें बोला कि मुझे अच्छा सा भी मेकअप दिखाएगा है, मैंने वैसे जब गूगल किया ना घर आके, इन्होंने हालांकि डिस्काउंट के साथ मुझे तीन चीज़ें 5,000 में दी हैं, तो जब मैंने गूगल किया तो उसमें इतनी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप ही देख सकते हैं इनको है। यहाँ पर जी मैं लेकर आई थी ये ब्लीच एक लेकर आई हूँ, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ार जाती हूँ तो फिर इस तरह से चीज़ें जो है ना एडवांस में उठा लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत होगी तो लगा लूँगी, अदरवाइज़ फिर पड़ी रहेंगी इसी तरह से। तो ये मेकअप का बस थोड़ा सा मैं सामान लेके आई थी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं, कौन बंदा ईद वाले दिन इतना मेकअप शेकअप ठूस के जो है ना वो बैठेगा, बस सिंपल से सूट पहन लें आप हल्का सा जिसे कहते हैं बस सन ब्लॉक वगैरह लगा लें और बस जी कंघा शंगा कर लो तो तैयार ही तैयार हो, ठीक है ना।
तो ये मेरा सामान था जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो अभी बल्कि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं है, जिनमें अभी नेल पेंट नहीं है, चूड़ियाँ नहीं है, अभी जूता वगैरह जो है वो देखूंगी घर में। वैसे मैं इनके साथ सोच रही थी वो पंजाबी जो खुद से स्टाइल में जूते होते हैं ना, वो बड़े मज़े के लगने थे, लॉन्ग शर्ट और लूज सा प्लाजो और नीचे वो वाला है ना खुस्सा जो होता है वो बड़ा खूबसूरत लगना था। तो खैर देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी कुछ पता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है, चलो कपड़े शपड़े हो गए। वैसे भी अपनी स्टाइलों की दो शर्ट जो कि मैंने बताया था, मेरा मूड असल में वही है कि ईद पे शायद मे भी मैं वही वाली पहनूंगी, तो ये तो स्टिच होके आ गए हैं, जब दिल करेगा बस पहन लूँगी। तो यहाँ तक ही थी आज की जो मेरी ये सारी शॉपिंग है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। तो लाइक ज़रूर कर दिया होना है मेरे ख्याल में मेरी सोनी सोनी बहनों ने, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।